1966 के अंदर हाजिर इमाम ईस्ट अफ्रीका की टूर के ऊपर थे धार्मिक कामकाज के लिए। 66 में मौलाना हाजिर इमाम ने कुछ लिमिटेड अलवाइजों को ऑडियंस दिया। पहले साथ में ऑडियंस दिया, फिर इंडिविजुअली भी थोड़ा टाइम दिया, सबको 10-10 मिनट दी। उसमें के एक अलवाइज उसने मुझे कहा कि मिशनरी 1966 और किसुमु के अंदर मौलाना हाजिर इमाम ने अलवाइजों को ऑडियंस दिया। अलवाइज कहते हैं कि मिशनरी मेरे को 2-3 क्वेश्चन ऐसा परेशान करते थे, जमात में से भी मेरे को बहुत पूछने में आता था। तो मैंने मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम को जब इंडिविजुअल मुलाकात दी ने, तो मैंने मौलाना हाजिर इमाम को पूछा कि खुदाविन एक सवाल बहुत पूछने में आता है जमात में से। मौला ने कहा कौन सा सवाल? तो अलवाइज कहते हैं खुदाविन पूछते हैं कि मौत के बाद आत्मा कहां जाता है, मरण के बाद आत्मा कहां जाता है। और हाजिर इमाम ये भी पूछते हैं कि ये हम सब उसके पीछे सब कराते हैं, ये सब चीजें रखना, कभी रूहानी की दुआएं कराना, रूहानी की तस्वीरें निकालना, तो ये बराबर है, ये पहुंचता है नहीं पहुंचता है। तो उसने कहा खुदाविन हम थोड़ा हमारी अकल से और जो भी हमारे पास मटेरियल है उससे हम उनको जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी खुदाविन आप भी कुछ गाइडेंस दो। तो मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम ने कहा कि सवाल तो तूने ऐसा पूछा है कि बहुत टाइम निकले जवाब देने में, लेकिन मैं तेरे को शॉर्ट में खुलासा करता हूं। और मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया कि देख अलवाइज मौत के बाद, सुनना ये सब चीजें, मौत के बाद रूह अपनी करनी के मुताबिक 3 स्टेज के अंदर 3 दर्जे में चले जाता है। रूह अपनी करनी के मुताबिक 3 दर्जे के अंदर चले जाता है। मैंने गिनान का पास दिया, यही कोई जन सुता, कोई जन जागे, अने कोई कोई करे कमाई। गिनान में पहले सुतेरे लोग को लिया, फिर जागे ने, मैं फिर टॉप लेवल को तीसरी लाइन में लिया है कि कोई कोई करे कमाई। विश्व नाजरी मां ईश्वरी एक आत्मा एक रूह ये होता है जो इस वर्ल्ड में इस दुनिया में रह के अच्छे काम करता है, नेकी करता है, करैक्टर का अच्छा होता है, अमल का अच्छा होता है, बाकायदगी से इबादत करता है, धर्म के अंदर बराबर रहता है, बहुत सखावत करता है। अभी मैं सब एक्सप्लेन करते हैं। मिशनरी ऐसा जब शख्स मर जाता है तो लिसन अलवाइज मौला कहता है उसका रूह किधर नहीं जाता है, माफ कहते हैं जैसा उसका रूह इस बॉडी में से निकला, इस शरीर में से निकला, तो हाजिर इमाम ने इंग्लिश में कहा कि वो यूनिवर्सल सॉल के अंदर चले जाता है। और फिर मौला फरमाते हैं इन अवर जमाती लैंग्वेज वी आर सेइंग असल में वासल हो जाना। हाजिर इमाम कहते हैं अपनी जमात की भाषा में हम इसको कहते हैं कि असल के अंदर वासल हो जाना। मिशनरी ऐसे लोगों के लिए न रूहानी मजलिस की जरूरत है, न कोई चीज रखने की जरूरत है, कोई चीज की जरूरत नहीं। तो अलवाइज मेरे को कहता है कहो तो मुझे, यानी मुझे चेहरे के मत एकदम एक्सप्रेशन आ गया कि हाजिर इमाम हंसे, हाजिर इमाम फरमाते तेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ ना? तो ये खुदा भी बोला कहता है मुझे पता है तेरे को क्या प्रॉब्लम हुआ। बोला कहता है वी डोंट नो, हाजिर इमाम कहते हैं जी, यानी इमाम खुद के लिए नहीं कहता है, जमात को एड्रेस करता है कि हमको तो नहीं मालूम है कि हमारी फैमिली में से अगर चले गया है वो असल में वासल हुआ है कि नहीं। अरे हम कहते हैं तो हम तो कराते रहते हैं। तो शाह करीम फरमाते हैं कि देख अलवाइज अगर ऐसी रूह असल में वासल हो जाती है और फिर भी उसके पीछे उसके फैमिली वाले अपनी शक्ति के मुताबिक कराते हैं तो वो बेकार नहीं जाता है, हाजिर इमाम वो व्यस्त ही जाता है, लेकिन 100% जो सवाब है वो कुटुंब वाले को जाता है, 100% सवाब उसको, क्योंकि उसको तो जरूरत नहीं। मैंने लास्ट टाइम दलील दिया था ना कि भाई मुझे छोकरों मुके हलाए अमेरिका से पैसा हलाए तो ड्राफ्ट चलाए तो पर हाँ वो पैसे वाला है मुके जरूर नहीं तो ड्राफ्ट रिटर्न करा तो बता अच्छा कि भाई तुझे तुझी बैंक बैलेंस में वधारो कर तो ड्राफ्ट सब रिटर्न होते हैं वापस मेरी कैपिटल के अंदर। तो मौला ने कहा बेकार नहीं जाता है। और फिर शायद करते ये कौन सी आई, कोई कोई करे कमाई, मौला फरमाते हैं लेकिन अलवाइज दूसरी प्रकार के आत्मा वो होते हैं जिसने इस दुनिया के अंदर
बंदगी करा नहीं करा, बंदगी करा नहीं करा, मौला कहता है दुआ पड़ा नहीं पड़ा, जमात खाने आया नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके कुछ अच्छे आमाल होते हैं, क्या करें, कुछ अच्छे काम होते हैं। तो मिशनरी वो असल में वास्तव नहीं होता है, बंदगी अधूरी है, बंदगी अधूरी है, वो असल में वास्तव नहीं होता है मिशनरी, लेकिन हर इमाम फरमाते हैं दे आर इन वेटिंग लिस्ट, क्या करें इंग्लिश में कहा, वो लोग वेटिंग लिस्ट में है, वो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, मौला कहता है वो लोग रूहानी दुनिया के अंदर रहते हैं, और रूहानी दुनिया के अंदर मौला ने फरमाया वहां भी उनको इनकी करनी के मुताबिक, इनकी करनी के मुताबिक उनको दर्जा झुका देने में आते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, रूहानी दुनिया के अंदर। और फिर शाह करीम फरमाते हैं अलवाइज तुझे पता है वहां फिर क्या होता है, खुदा भी सुन, जो लोग असल में वास्तव नहीं हुए हैं, जो लोग रूहानी दुनिया के अंदर हैं, कुरान में उसको वर्ड क्या देने में आया, बरज़ख, बरज़ख यानी ऐसी जगह जहां रूहों को रखने में आता है, मौला ने फरमाया तो ऐसी रूहों के लिए अलवाइज आप लोग मजलिस कराते हो, आदम नाम कहते हो, जमात खाने में मजलिस कराते हो, उसके पीछे सब चीजें रखते हो, उसके पीछे तस्बीहां निकालते हो, तो मौला ने फरमाया वो चीज उसको इतनी हेल्प करती है, इतनी हेल्प करती है, मौला फरमाया कि वो उसको पुशअप करती है, उसको आगे बढ़ाती है। और फिर शाह करीम कहता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जब उसका दूसरा पलड़ा बराबर हो जाता है, तब वो असल के अंदर वासल होता है, और वहां वो अपनी बंदगी पूरी करता है। कितनी जरूरत है बंदगी की, कितनी जरूरत, तो दूसरी एक दुनिया है, रूहानी दुनिया है, मौला ने फरमाया कि वहां उसको मिलता है, लेकिन टॉप लेवल का हम लोग उम्मीद ना रखे भाई, खुला रूहानी दुनिया में अटकेंगे, वेटिंग लिस्ट के अंदर। मौला कहते हैं, शाह करीम कहते हैं मिशनरी पता है थर्ड टाइप ऑफ सोल, अरे वहां तीसरा प्रकार का आत्मा मिशन पता है कैसा है वो, मेरे को अलवाइज देखा बाबुल, एवू न बने के रूह अहियां ज रही जाए, अने ढोर माफक खाए पीवे थता सूए, ढोर माफक हैवान की जिंदगी, आया आया कभी बरस में एक आध टाइम जमात खाने का रॉन्ग मान लिया, मगर उसमें भी नीति कैसी, जरा बड़े बड़े लोग सब बिजनेस की गाल बोलती है, जरा गाली बोलते मिलना नहीं ना, वो बिजी है बता मिलना रहो, ऐसी टाइप से बाकी गुनाहों के अंदर जिंदगी बसर करते हुए, गुनाहों के अंदर मौला ने कहा कभी खुदा को याद नहीं करते हैं, कभी अल्लाह को याद नहीं, इसलिए मौला ने शाह करीम ने कहा, मैंने कहा कि स्पेंड करो थोड़ा टाइम तो तुमको देना पड़ेगा इबादत के लिए, वो रूहानी दुनिया की तैयारी के लिए, वो रूहानी दुनिया की तैयारी। मौला ने कहा दे आर टेकिंग रिवर्स इन वन और अदर फॉर्म, तो मैंने आपको कहा अर्ज किया कि सिर्फ अपने कुल हमको बता सकता है कि रूहानी दुनिया के अंदर आत्मा कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, उसको रूहानी दुआ का कैसा असर होता है, बाकी इंसान तो अल्लाह ने फरमाया कि एने, अरे एने तो बहु लिमिटेड नॉलेज आपवामां आव्युं छे, एने तो बहु थोड़ू ज्ञान आपवामां आव्युं छे।